सवाल था। सबसे पहले तो गाने की बात कर रहे, जिस तरह कमाल के लिरिक्स हैं, पेनफुल है, उस तरह विजुअल भी कमाल के हैं। तो इसमें आपने ना पसंद करने की कोई वजह नहीं छोड़ी है इसमें आपने, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है। ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी आपकी फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिला होगा, बट खास बात तो ये है कि इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने बिना कट किए कोई सीन पास किया है, तो आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है दीपिका मैम, मोबाइल मेघना मैम और विक्रांत सिंह। मोबाइल 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 नीचे ले। आई विल अलाउ मेघना मैम टू टेक दिस आंसर प्लीज। अभिषेक ये एक्चुअली अभिषेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। अभिषेक क्योंकि अभिषेक इस फिल्म की परसेप्शन कि क्रूड होगी या ग्राफिक होगी या हेवी होगी, तो शायद बच्चों के लिए लायक ना हो या युवा लोगों के लिए लायक ना हो, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया जो आज तक मेरी किसी फिल्म को नहीं मिला है। सबको यू ए मिला है विद नो कट्स, ये पहली फिल्म है जिसको यू मिला है विद नो कट्स, और इसके लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये कहानी जितनी दूर तक पहुँचे उतना ज़रूरी है। नेचुरली हम सब बहुत खुश हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आपने कहा कि ना पसंद करने के लिए इस गाने में और इसके विजुअल्स में कुछ है नहीं। हम सबकी उम्मीद ये है कि आप फिल्म के बारे में भी यही सोचेंगे। मेघना जी, दीपिका, शंकर संधा, सबके लिए सबसे पहले ये जो गाना था, इस गाने के बाद आप लोग इमोशनल हुए, हम सभी लोग गला चौक हो गया, और ऐसा लगा कि चपाक से बेहतर कोई शब्द ही नहीं हो सकता। एक शब्द में इतनी सारी बातें, इतना इमोशन, एक पूरी कहानी, एक पूरी जिंदगी, तो बहुत बहुत बधाई, और आई रियली विश कि ये गाना सब तक पहुंचे और बहुत ज्यादा। मेरा सवाल लक्ष्मी से है। लक्ष्मी, इस गाने को सुनकर आप दो लाइनें कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि ये आपकी कहानी है। गाने में जैसे मैंने जब गाना भी सुना, सीरियसली मेरी आँख से जब से आंसू नहीं रुक रहे हैं, और मैं एक ही चीज़ फील कर रही थी जब से कि काश मेरे पापा यहाँ होते, तो काफ़ी अच्छा लगा, और थैंक यू मैम, मेघना मैम, थैंक यू सो मच। दीपिका, ये गाना आपके लिए इमोशनल जर्नी है, क्योंकि लक्ष्मी कहानी कहीं ना कहीं मेरे लिए लक्ष्मी मालती और दीपिका एक शब्द हो गए हैं जब से मैंने प्रोमो देखा है, तो आपकी नजरों में इस गाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I just want to share an anecdote. Last couple of days we've been spending so much time with each other, and she calls me Lakshmi sometimes and I call her Malati sometimes, it's become like one. sorry, aapka sawal kya tha? ये तीनों शब्द लक्ष्मी, मालती, दीपिका एक किरदार हो गए हैं जब से पहला ट्रेलर का आपने अनाउंसमेंट किया। मैंने अपने रिव्यू में मालती अग्रवाल कह दिया था। जो कैरेक्टर का नाम है एक्चुअली मालती अग्रवाल कैरेक्टर का, मतलब वो लक्ष्मी तो मिक्स हो गया। तो आपके लिए ये गाना, आपके लिए गाना और गाने के इमोशंस, कहानी के लिए किस तरह की गाने का लॉन्च है, तो गाना कहानी के इमोशंस से मिलता जुलता, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कि एक्चुअली मैं और एक एनेक्डोट एक शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली फिल्म का जो टाइटल पहले कुछ और ही था, इट वॉज गंधा गंधा, एंड आई थिंक ड्यूरिंग द प्रोसेस मेघना मैम ने डिसाइड किया कि हमको ये मेघना मैम कौन, मेघना गुलजार जी इस टाइटल को चेंज करना चाहते थे, और उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन, एंड आई सेड क्यों चेंज करना चाहते हो, मतलब गंधक, मतलब सबको पता चलेगा कि क्या है, सबको समझ आएगी। एंड शी सेड, यू नो, आई वांट द टाइटल ऑफ द मूवी, आई वांट टू यूज द टाइटल ऑफ द मूवी इन अ सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग बिकम्स द सोल ऑफ द सॉन्ग, इट बिकम्स द थ्रेड, इट बिकम्स द ओवरआर्चिंग थीम दैट काइंड ऑफ जस्ट बाइंड्स द होल फिल्म टुगेदर। एंड छपाक, ऑनेस्टली इफ आई मे बी ऑनेस्ट, आई डिडंट हैव फेथ इन द टाइटल व्हेन वी, और इनको ये पता है, आई वॉज लाइक हाँ ओके या व्हाटएवर, आई मीन यू आर द डायरेक्टर, यू डिसाइड, बट आई थिंक इट ग्रू ऑन मी इवेंचुअली, एंड टुडे आई कैन सी हर विजन, टुडे आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ऐसे क्यों सोच रही थी और क्यों चाहती थी वो शब्द। बस आई थिंक फॉर योर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई थिंक जैसे मैंने कहा, if Lakshmi calls me Lakshmi or if I call my character Malati, and most important cheez ye hai ki pehle din jab hum set pe the and Lakshmi came to the shoot
एंड शी वॉक्ड इन और मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि एक एक्टर के लिए आई थिंक द पर्सन दैट यू आर प्लेइंग ऑन स्क्रीन उनका वैलिडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है. ऑडियंस का तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस का वैलिडेशन सेकेंडरी होता है. सबसे पहले ये होता है कि जिसको आप पर्दे पर आप निभा रहे हो आई थिंक देयर हर वैलिडेशन फॉर मी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो आई सेट पे एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड माय गॉड यू लुक एग्जैक्टली लाइक मी एंड आई फील लाइक आई एम लुकिंग एट माय सेल्फ इन द मिरर. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद को देख रही हूँ. एक एक्टर के लिए इससे बड़ा वैलिडेशन हो ही नहीं सकता. तो या I actually just want to say one thing, talking about the title of the film. मैंने बहुत मुश्किल लफ्ज़ दिए हैं पापा को कि अब आप ये लीजिए और ये गाने में आना चाहिए. और छपाक भी एक और ऐसा लफ्ज़ था. Do you want to say something about the experience of? मतलब आसान काम तो वैसे भी आपने कभी नहीं दिया. ये काम और खुद भी कोई आसान काम किया नहीं आपने. जो काम किए हैं वो मुश्किल काम ही किए हैं. पहले भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी जो छपाक का जो इम्पैक्ट है मैंने बिल्कुल यही कहा था. इसका जो इम्पैक्ट है मैं उसके बारे में आपको लाइन देता हूँ. वो लाइन जैसे वो तो ज़रूर देंगे आपको और ज़रूरी चाहिए लेकिन अब छपाक इस्तेमाल करना है तो मैंने छपाक मेरे मीटर में नहीं आता. कहने की वो शंकर के मीटर में आ जाएगा आप शंकर को दे दीजिए. शंकर से आई विल फिट इन आपके लिए बाकी लाइन बनाएंगे वो बताइए. दैट इज हाउ वी हैड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड ऑल आई हैड टू डू इज कि मैं वो उतनी स्पेस लाइन में दे दूँ जिसमें वो छपाक बोल सके. तो लेकिन जिस तरह से छपाक इस्तेमाल हुआ उसके बाद वाकई मुझे भी लगा कि एक तो अनयूजुअल टाइटल तो है ही बहुत नहीं है आम तरह का लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ जो एक एक साउंड का इफेक्ट आता है साथ में कि सिर्फ एक साउंड सिर्फ एक आवाज़ भी अपने आप में गाना मुकम्मल कर सकते हैं. दैट इज शब्द टीम छपाक कंग्रेचुलेशन. सब कंग्रेचुलेशन से सिमरन सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट पर्सनल कंग्रेचुलेशन. ऐसा होता है कि ट्रेलर और गाने देखने के बाद वन नीड्स टू क्लैप. मतलब ऐसा लगता है कि खुशी से यहाँ वी आर मूव्ड बट वी कांट क्लैप बिकॉज इट इज सो मूविंग जस्ट एज राइटली सेड बाय मिर्ज़ा साहब इट्स अ मूवमेंट. सो मेरा सवाल पहले लक्ष्मी जी आपसे व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता लगा दैट योर स्टोरी हैज बीन अडैप्टेड एंड दीपिका हैज प्लेड योर कैरेक्टर. मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये लगा कि मैं बहुत अच्छे से अब तो हो गया सोसाइटी का काम. और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फर्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे तो जैसे ही देखा मैंने मैंने कहा वाओ लक्ष्मी. ये था और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिल के रहेगा क्योंकि जब आप बाहर निकल के आते हो और जब आप कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से तब लगता है. तो मुझे ऐसा लगा जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम तो वहीं पर ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है. सीरियसली थैंक यू सो मच दीपिका. हेलो आपका मुझे माय नेम इज आतिका फारूकी. आई एम हियर फ्रॉम कलर्स. आपका ये जो गाना मैंने देखा तो मुझे आपकी पहली फिल्म बंदनी का वो गाना याद आ गया जो आपने लिखा था कि मोरा गोरा रंग ले दे मुझे शाम रंग दे दे छुप जाऊंगी रात की में दिल्ली का संग दे दे. और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के 60 साल हमें दिए फिल्मों के जरिए. इन 60 सालों में जब ऐसी फिल्में बन रही थी जिसमें नायिका की खूबसूरती की बात हो रही थी आपने उनकी कभी कभी जिंदगी की जो बदसूरतियाँ हैं उनके बारे में बात की. मौसम फिल्मों में आपने सेक्स वर्कर्स के बारे में बात की. आंधी फिल्म में आपने उन औरतों के बारे में बात की जिन्हें समाज में सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल पॉलिटी का हिस्सा बनने नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिर्फ महज एक औरत है. इंग्लिश में कहावत है हैंडसम इज हू हैंडसम डज. लेकिन जब औरतों की बात आती है फिल्मों में एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर विजय आल्सो कि फॉक्स स्टार ने कैसी फिल्म को इस लायक समझा कि ये
बड़े पैमाने पे कमर्शियलाइज को रिलीज किया जाए। उदार साहब, जब फिल्मों में औरतों की बात आती है तो उनका चेहरा कैसा दिखता है और उनका चेहरा और खूबसूरत होके ही दिखाया जाना चाहिए पर्दे पर, इस पे हमेशा एक जोर रहता है। आज की तारीख में जब वेस्टर्न सिनेमा में ऐसी बहुत सी आम औरतों की कहानियाँ पर्दे पर आती हैं जिनके चेहरे बड़े आम हैं, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसे चेहरे हमको नहीं दिखते जैसे नूतन के होते थे, नरगिस का जो चेहरा होता था एक आम सा चेहरा। हमारी इंडस्ट्री या हम लोग आज भी फिल्में देखने वाले बनाने वाले खूबसूरती पे इतना फिक्सेटेड क्यों हैं? आपने 60 साल देखे, आप बेहतर बता पाएंगे, और मैं अपने चाचियों के जरिए आपसे इसी टॉपिक पर और बात करना चाहूँगी, लेकिन ये खूबसूरती से क्या ऑब्सेशन है सिनेमा का? आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया, मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं कहता अगर आप मुझसे सीधा सवाल पूछती कि आप औरत की जर्नी, औरत के सफर को अपने शुरुआत से मुरागोरा अंगुलेले से लेके छपाक तक कैसे देखते हैं, तो मैं ये सारे जवाब देता जो आपने कहे और मैं उनके साथ साथ चलता रहा हूँ। और ये सही है कि मैं अपनी फिल्मों के दौर में भी और लिखने के दौर में भी, अगर आप शुरू से देखें तो मेरी फिल्में कहीं ना कहीं वो स्त्री के लिए हैं, वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, वही सेंट्रल कैरेक्टर्स मेरी सारी फिल्मों में हो रहे हैं। बल्कि हरी भाई संजीव शिकायत किया करते थे कि हर बार तुम कहते हो कि ये मेरी फिल्म है, ये निकलती हीरोइन की, एक बार आंधी में निकला है उसमें तो रघुवीर खुशबू में निकला है। कोई फीमेल ओरिएंटेड डायरेक्टर नहीं बोलता, लेकिन क्यों? क्या जी? सॉरी टू डाइग्रेस। हां जी प्लीज। पहला तो अब ये कहूं कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है और उनके साथ चल रहा हूं या उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी है, जरा मैं आपको दास्तान सुनाती हूं और मैं उनकी दास्तान बड़े गौर से सुनता चला आया हूं। और शुक्र है कि मैं लक्ष्मी तक अभी तक सही तौर पर सफर करता हूँ आया हूँ। गोरा गोरा अंग लेने से मेरा चेहरा उड़ा के चला गया, मिटा के चला गया, वहाँ तक आया हूँ। तो मेरा ख्याल है आपसे दान चाहिए। Hi, Deepika, new here. Hi. Actually, my question is for Gulzar sahab. You know, हम सबको पता है कि बेटियाँ जो हैं वो blessings होती हैं और जब वो कुछ अचीव करती हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो दर्द से गुजरती हैं तो माँ बाप को उतनी तकलीफ होती है। जब आप लिख रहे थे ये गाना, क्या आप उस दर्द को महसूस कर पाए जब बेटी ने आपको दिया था एक तरफ और दूसरी तरफ एक बेटी की कहानी थी? किसका दर्द महसूस किया? बेटियों का। जिस तरह से समाज हमारा चला है वो अपने आप को संभाल लेंगे, बेटियों को कौन संभालेगा, मेरी बेटियों को कौन, उनकी हिफाजत ज्यादा करता हूँ मैं, ज्यादा ये कंसर्न रहा हूँ। अब मेरी तो एक ही बेटी थी, जाहिर है कि सारा नहीं, अभी आपकी तीन हैं स्टेज, अब वो बहुत सी हैं, अब तो आप भी उनमें शामिल हैं, अब तो बहुत सी हैं, लेकिन ये कि ये बेटियाँ अब आगे आ गई हैं वो बड़ी तसल्ली हुई है कि वो अब मुझे उन्हें संभालने की जरूरत नहीं, वो मुझे संभाल रही है। वो बेटियाँ वो समाज में कंधा मिला के लड़कों के साथ रोल प्ले कर रही हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ कहीं कोई टेक्नीशियन एक लड़की नहीं मिलती थी सिवाय कहीं हेयर ड्रेसर में अगर नजर आ जाए, वरना आज टुडे दे आर डायरेक्टर, दे आर राइटर, दे आर परफॉर्मर, दे आर और मेन कैरेक्टर्स लड़कियाँ कर रही हैं। आज इट्स अ बिग प्रोसेस। आज वो बेटी या वो माँ जिससे हम बात किया करते थे वो अधूरी सी इंग्लिश में, तेरी घर फ्रेंड आई थी तेरी को, और वो सही अंग्रेजी बोलती है और कारें चलाती हैं और काम करती हैं, वरना हमारे यहाँ हीरोइन को सिर्फ रख दिया जाता था और घुमाया जाता था और गानों में इस्तेमाल किया जाता था। आज वो नहीं है, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सफर है, बहुत आगे आया है। टुडे दे आर लीडिंग, एंड इसलिए उन
बेटियों का कंसर्न है, दर्द कम हो गया है, लेकिन जाती दर्द खत्म नहीं हो गए, ये समाज के दर्द हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, जो उनका बर्ताव है, जो उनका सेट ऑफ माइंड, जो माइंड सेट है, जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बेटी को इस तरह से देखो, इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से पढ़ा करो। और ये छपाक इस तरह से आपने देखी है, मैं कहूँ अगर आपसे इजाज़त हो तो आपको अर्ज करूँ ये कि ये जो जिसे मैं तहरीक कह रहा था, मूवमेंट कह रहा था, ये मूवमेंट अब आपकी है, आपको पहुंचाना है और देखना है कि आपके वतन में, आपके देश में लड़की की पोजीशन सामने और आगाही में नजर आनी चाहिए।